ऐसा है, मैं आप सबको बारंबार ये कहता हूँ, भोजन शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। एक मेंढक मेंढक नहीं मेंढकी नहीं दिखाई दे रहे, वो खाना खाना है। अच्छा, तो जानते हो झरना एक बार एक कफो बातो पीतो वाला को खींच के एक थप्पड़ इसलिए दे दिया क्योंकि बिना नहाए उसका किचन में घुस गया था वो। इतना सा बात, ज्यादा नहीं इतना बात, करीब करीब 3 लाख का लॉस उनका। 3 लाख इन्वेस्ट किए थे उस प्रोजेक्ट में और एक थप्पड़ से कफो बातो पीतो तीनों बैलेंस, पूरा बैलेंस। दूसरा दिन कोई नहीं हुआ, ना कफो दिखाई दे रहा है, ना बातो दिखाई दे रहा है, ना पीतो दिखाई दे रहा है, सब गायब एक थप्पड़ में। क्यों मारी? बिना नहाए किचन में क्यों घुसे? ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आप लोग जाओगे तो 2 किचन उनका रहता है, एक किचन रसोई घर में, एक बाहर। मेरे बचपन में भी मेरे घर में बाहर में एक माटी का चूल्हा था, इनकेस बिना नहाए कुछ बनाना पड़े तो वहां बनाया जाता था। और बाकी क्योंकि घर में शालिग्राम है और माता रानी है और अन्न भोग लगता है, उस किचन के अंदर कोई मायका लाल में दम नहीं था बिना नहाए बिना पैर धोए बिना शुद्ध वस्त्र का उसके अंदर घुसना। और चमत्कार ये था कि उस किचन रूम को, वह रसोई घर को भगवान का घर से, माने जहाँ ठाकुर का घर है, उससे भी ज़्यादा पवित्र रखा जाता था। और भले कोई पंडित ब्राह्मण आके ठाकुर घर में, महाप्रभु घर में, देवता घर में, मंदिर में घुस जाए, लेकिन किचन में नो वन अलाउड एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे नहीं घुस सकते। किचन का, रसोई का, खाना बनाने का स्थान को इतना पुण्य पवित्र रखा जाता था, कुछ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो गंगा जल गोबर से उसको फिर शुद्धिकरण किया जाता था। ऐसा क्यों था? और किचन के अंदर पीरियड के दौरान तो कोई महिलाएं नहीं घुस सकती, ऐसा क्यों था, किस कारण था? और अगर मैं पहला बार जब नेचुरोपैथी के लिए मेरा गुरु पूर्णचंद्र पंडा स्वर्गत के पास गया, मेरे को पहला रूल बताए थे, दूसरे के हाथ से खाना, होटल का खाना और अज्ञात व्यक्ति से खाना, ये 3 चीज छोड़ो तब जाके योग नेचुरोपैथी में सिद्धि पा सकते। अच्छा, आप वहां गुरुकुल में रहे, एक चीज मार के, झरना आप लोगों का हाथ का नहीं खा रही थी, किसी भी कॉस्ट में नहीं खाएगी। लास्ट कैंप में आप लोग बहुत कोई फोर्स किया तो वो इन्वॉल्व होके खाई तो खाई, नहीं तो आप लोगों का दिया नहीं खाएगी। जात का क्या है? गुंडो ब्राह्मण से भी ज्यादा नियम निष्ठ, कहीं जाए इतना चूड़ा गुड़ लेके जाएगी लेकिन होटल में सहजता से नहीं खाएगी। क्यों? देखो, शरीर माध्यम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर ये अन्नमय कोष शुद्ध नहीं है फिर तुम किसी भी कोष का क्या साधना करना है कर लो। दूसरा, जयगुरु दीक्षा लेने वाले जितने सारे ऋतिक रोशन होते हैं, कहीं भी चले जाएं भूखे आ जाएंगे लेकिन कहीं भी अन्न का स्पर्श किसी का नहीं करेंगे,
केवल उन्हीं का करेंगे जो उनका ऋतिक रोशन होगा, तो नहीं खाएंगे। मेरा एक मित्र वृंदावन गया था, वो अनुकूल चंद्र ठाकुर देव का ऋतिक रोशन था, अंडमान 5 दिन बिना चावल करे के आ गए, नहीं खाया, वही केला मेला फल खा करे। क्यों है ऐसा, ध्यान देना इधर। एक बार एक बंदर, चल उधर कहूंगा तो फिर और चला जाएगा भी सब्जेक्ट, ये टॉपिक खराब हो जाएगा, तुम डिस्टर्ब करोगे। बार बार बोला उधर देखना नहीं, बंदरा बंदरी इन लोगों को अगर ऐसा देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। ऋषिकेश में हम लोग गुरुकुल में वो वेदांत मठ में ना बहुत बंदर हैं, तो हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं सब करना बंदर के आंख में नहीं देखना, देख लिया तो बेटा फंस जाओगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे चलना कि जैसे बंदर है नहीं, और तुम जान जान के मेरा बंदरिया के पीछे लगे हो तो छोड़ेगी तो नहीं, ठीक है। तुम एक करोगे तो दो है, तो कालिदास एक उंगली फोड़ देंगे, बोला दो फोड़ देंगे। कालिदास का स्टोरी जानते हो कि नहीं, तो उसको बोले कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, वो जो प्रश्न पूछे एक उंगली। कालिदास को लगा मेरा एक आंख फोड़ने का चक्कर में है, तो बोला दो आंख फोड़ देंगे। ऐसे ही हो गया टॉपिक। तो भोजन शुद्धिकरण एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। तो आप लोग शिविर में हो, आगे का जितना शिविर जो पुराने आलोक वो मेंढक बड़ा मेंढक को पूछना, स्वपाकी होने का बड़ा नियम निष्ठा बता रहा था। यहां जो भी आते थे भाई अपना बनाओ खुद खाओ, ताकि अपने हाथ का ऊर्जा तुम्हारे अंदर बढ़े, दूसरे का नहीं। परसों एक नेचुरोपैथी वाला फोन किया था, बोला 24 साल सर मेरा बीवी का हाथ का भी नहीं खाया, मेरा बीवी रोई तब जाके उसका हाथ का खाया। ये भी पागल होते हैं, क्यों, क्या कारण है? तो इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, इस विषय को और ज्यादा नहीं लेता हूं, है तो बहुत लंबा टॉपिक, इस विषय में घुसेंगे तो फिर अन्नमय मनमय प्राणमय आनंदमय विज्ञानमय इनर कोर बहुत लंबा चलेगा, फिर यहां मैं बैठा हूं और आप सबको सब जिस्ट जिस्ट में देने का कोशिश कर रहा हूं, शिविर है तो प्लीज़ ये कोशिश करिए आपका किचन को ठीक करने के लिए और नहा के। और अगर आप लोगों को बिना नहाए कुछ बनाना है तो बाहर एक छोटा सा चूल्हे बनाइए, उसमें बिना नहाए करिए। अदरवाइज याद रखिएगा, आपके इनर कोर पे साधना पे इतना हैवी थ्रस्ट होगा कि कितना भी साधना कर लो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही साधते रहोगे। और यहाँ माँ को बैठाओ और उसको देख देख के सब खाओ, गलत बात है। माँ को नहीं दोगे तो आपको देगी कहाँ से? तो हमेशा एक बात जो आचार्य आज मतलब शिविर के जैसे प्रमुखाचार्य हैं पूरी बड़ा पंडा, तो आपका काम यह है सबको ये वार्निंग दे देना कि नहा के धो के शुद्ध पवित्र वस्त्र में बनाओगे क्योंकि माँ को भोग लगेगा, नहीं बनाओगे तो भी मैं भोग लगाऊंगा, मर्जी तेरा, तू समझ, जो होगा तेरे को समझना। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र जंतर करते हैं खाने पीने में, तो जो पंडित जानता है कि हर भोजन पे चलू निकालना है और खाएगा, और अगर कोई गलत भोजन दे दिया बिना नहाए धोए अपवित्र कर दिया, अपवित्र भोजन दिया, उसी का सीधा ढाए 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 उसका बोरिंग जो चेंज का होगा वो एकदम समझ लो कि 8-12 का हो जाएगा, सारा नौटंकी एक ही दिन में छटक जाएगा। इसीलिए हम पंडितों को लोग खिलाने के लिए डरते भी हैं कि यार ब्राह्मण है, समझ संभल के। और अगर कोई भी तुम्हें भोजन पे कुछ भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जंतर कर रहा है, कुछ भी मिला के दे दिया, तो तुम सेव हो जाओगे। तीसरा क्या, जितने सारे होटल, जो लोग मूर्ख होटल वाले हैं अलग बात है, जो लोग ज्ञानी होटल वाला ढाबा वाला, सबका तंत्र मंत्र जंतर चलता है, कोई नमक के साथ करता है, कोई और मसाला के साथ करता है। क्यों करता है? कि उस होटल में अगर एक बार खा लिया तुम तो फिर 100 किलोमीटर दूर में रहेगा तो दूसरा होटल में खा नहीं सकते, वहीं खींच के ले जाएगा। वो ढाबा वालों का होटल वालों का ये तांत्रिक विद्या रहता है कि वो मालिक ही वो देगा,
तुम दूसरा कहीं का नहीं खा सकते। पिंटू पंडा का इतना टेस्ट लगने के पीछे कोई रहस्य जानते हो? उसका गायत्री साधना, ऊर्जा, वो ऐसे जला कभी दे देना तुमको टेस्टी लगेगा। और एक बार उसके हाथ से खाया फिदा हो गया। और जितने सारे महिलाएं घर का मालकिन होते हैं, क्यों होते हैं? और इसलिए मालकिन को देखा जाता है, मालकिन का मानसिकता के अनुसार परिवार का गति। इसलिए हम घर में माताओं को भोजन बनाने का दायित्व दिया कि पूरा परिवार का केंद्र बिंदु वो है, और उसका साधना शक्ति, उसका तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, पूजा शक्ति, आध्यात्म शक्ति से पूरा परिवार ओतप्रोत हो। और जिन माताओं में इन प्रैक्टिसेस को नहीं रहता, उनके भोजन पे कितना भी कुछ खा लो, 6 तिवन 9 भजा 56 भोग भी दे देना, टेस्टी नहीं हो सकता। अच्छा, टेस्टी हो भी जाए ना, तो वो व्यक्ति को बांध, परिवार को इकट्ठे बांध नहीं सकता। परिवार का एकजुट होना, बंधन में रहना, उसके पीछे वो महिला का हाथ, नारी का हाथ, स्त्री का हाथ इसलिए बहुत है क्योंकि उसमें वो प्रचंड साधना का शक्ति है। वो खाना बना के खिला दे एक बार किसी को, वो हो गया। तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, पानी लेके देते हो, तुम देख रहा है कि क्रोध में आया है, झगड़ा करने वाला है, टेंशन होने वाला है, कुछ डिस्टर्ब करने वाला है, शत्रु है, या समय ऐसा चल रहा है कि आ गया है, एक ग्लास पानी शांति मंत्र करके, अगर शांति मंत्र सिद्धि है, ऐसा नहीं कि काल केबे नहीं काले नहीं गोमा पुनेरे माई माई सडन एक ग्लास पानी दो, कुछ नहीं हो। शांति मंत्र का सिद्धि होना चाहिए, हर दिन शांति मंत्र करने वाले हो, फूक मार के दे दो पानी, वो कितना भी तनाव पे हो फुश शांत हो जाएगा। वो एक ग्लास पानी का रहस्य है। इसलिए होटल ढाबा वाले जो पानी देते हैं, जो टेक्निकल होटल वाले हैं, सबका नहीं, गधा घोड़ा भेड़ बकरी क्या करना है, उनको तो पैसा कमाना है। जिनको होटल बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है, बिना इस प्रकार के शक्ति का सहायता लेके कभी बहुत सफलता नहीं हो सकती। तुम्हारे लेबर भी तुमसे कट के जा नहीं सकते अगर तुम्हारे पास हो सकती है तो वो घर परिवार हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो होटल हो। तुमको बोला ना, उसके आंख में मत देखो, सिग्नल मत दो, तुम फिर मेरे को डिस्टर्ब करोगे, सब सब्जेक्ट कटेगा। रहने दो, वो आचार्य है, अब मेरे बात तो उसी को सीट संभालना है। हाँ, तो आप इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि आपका यहाँ शिविर में भोजन शुद्धिकरण से हो, और शुद्धिकरण का अलग रख के करना, ठीक है? इस बात का ध्यान देना। इस टॉपिक को थोड़ा आगे लेने वाला था, फिर डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे।